बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए हजरात हैं वो कारी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन लोगों ने हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन कर तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से जो है हमारे ग्रुप भी है, इंफॉर्मेशन ग्रुप, आप उसको भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक शामिल हो सकते हैं। वहाँ पर हम डेली जो है आपको एक बाय कॉल देते हैं, उसके हवाले से आप हमारे जो प्रोग्रेस है ग्रुप की वो आप चेक कर सकते हैं। हम डेली आपको एक फ्री बाय कॉल जो है ग्रुप के अंदर देंगे, और जिस तरह आज हमने ग्रुप के अंदर बाय कॉल दी थी, ये हमारा इन्फॉर्मेशन ग्रुप है, इसके अंदर हमने PSO बाय लेवल बताया था आपको 117.50 से लेकर 110 तक जो है, अगर मिलता है तो ले ले। तो पहले ही जो है वो 117.55 के करीब आके ये बाय हो गया था, और हमने कहा इसको बाय करें यहाँ पे आके, और आप इसको देख सकते हैं कि जो आज PSO था वो 117.55 और हमने बताया था 117.50। तो इस तरह की एक बाय कॉल आपको मिलती रहेगी रोजाना की, डेली की बुनियाद पे जब हम समझेंगे, और कोई भी ऐसी अच्छी न्यूज़ के हवाले से जैसे शेयर में कोई आएगी वो शेयर आदमी चलता है तो वहाँ पे हम आपको बाय कॉल उसकी दे सकते हैं। और ये अभी इस वक्त है भी ईयर लो के आसपास, इसमें कोई टेंशन घबराने वाली बात नहीं है, ये यहाँ से मूवमेंट आपको देता रहेगा डाउन और अप साइड की। तो हमने इसको जो है बाय करवाया और 120 पे 121 के ऊपर जो है सेल करके हमने प्रॉफिट बुक किया, वापस ये 120 पे क्लोज हुआ है। तो ये इस तरह की बाय कॉल आपको मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे साथ इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप लिंक के जरिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपको हमारे प्रोग्रेस का पता लगेगा। इसके बाद अगर आपने प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करनी है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप हमारे प्रीमियम सर्विस को भी ज्वाइन करें। अच्छे स्टॉक के अंदर ट्रेड करवाते हैं, और अगर ट्रेड बनती है तो लाजमी बाय कॉल देते हैं, अदरवाइज जो मार्केट की कंडीशन होती है उसके मुताबिक जो है हम लोग वेट एंड सी वाली पोजिशन पर भी जो है वो रह सकते हैं। तो अच्छी ट्रेड करें, अच्छे स्टॉक का इंतखाब करें, बाबा मेरी वीडियो में ये कहता हूँ आपको, ताकि आप मार्केट के अंदर जो है कुछ चार पैसे कमा सकें। अच्छा, इसके साथ अगर आप मार्केट की थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है आपको ओवरव्यू देंगे शेयर के हवाले से, उसके ऊपर हमारा जो व्यू है उसके हवाले से। अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट समझे आज जो है जिस तरह कल क्लोज हुई उस तरह आज की क्लोजिंग भी उसी हिसाब से आई है, ना कोई इतनी डाउन आई है, ना इतनी कोई इतनी अच्छी कहते स्ट्रांग आई है। तो इसको आप देख सकते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम जो है काफ़ी कम है, तकरीबन 6 करोड़ के वॉल्यूम रह गए हैं, जो कल 9 करोड़ समथिंग थे आज उससे भी थोड़े से कम हो गए हैं। तो फिर भी अभी शेयर के अंदर वो ग्राउट और शेयर के अंदर वो जो है नेगेटिव साइड अभी तक शेयर्स के अंदर नहीं हुई, सिर्फ दो इंडेक्स जो थोड़ा नेगेटिव हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ से काफ़ी जो है वो आप देख सकते हैं कि करेक्शन मार्केट ले चुकी है, तकरीबन 1000 से 1200 पॉइंट तक मार्केट करेक्शन ले चुकी है। तो अभी पॉसिबिलिटी यही है कि कोई भी न्यूज़ आ जाए IMF के हवाले से, कोई ट्रिगर मार्केट को चाहिए जो मार्केट को यहाँ से जो है वो वापस बाउंस बैक करने की जो है उसमें मदद करे। तो उस न्यूज़ का जो है इंतज़ार है मार्केट को भी, इन्वेस्टर्स को भी, और हुकूमती खामोशी IMF के ऊपर जो है वो काफ़ी इन्वेस्टर के जो कॉन्फिडेंट होता है उसको हर्ट करती हैं। तो क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है एक ये एक न्यूज़ बेस्ड, सॉरी हमारे जो मार्केट है शेयर वाली, ये एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, कोई भी न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर तो उसका इम्पैक्ट भी लेती है, जैसी नेगेटिव साइड आती है नेगेटिव इम्पैक्ट भी लेती है। तो हमें जो इस वक्त मार्केट के अंदर एक अच्छी न्यूज़ का इंतज़ार है IMF का, जो इंशाल्लाह होपफुली अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर ना आई तो नेक्स्ट वीक जो है फिर दोबारा हम इसको पीर या मंगल वाले दिन, दिन में छुट्टियां भी आ रही हैं तो उस हवाले से मे बी वो अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, तो उन्हें भी नेक्स्ट वीक मार्केट दोबारा पुलिस साइड पर भी जा सकती है। लेकिन न्यूज़ का आना और एक बाकी जो हमारे अरब कंट्रीज़ के साथ जो भी रिलेशंस हैं उस हवाले से, जितने भी हमें जो टाइमली अगर हम चीज़ें मिल जाती हैं लोन्स वगैरह वहाँ से भी इमदाद मिल जाती है और IMF की तरफ से भी, तो पाकिस्तान के रिजर्व बिल्ट होंगे, बेहतर होंगे, इकॉनमी के लिए बेहतर होंगे, और हमारे LCs के ऊपर भी थोड़ा बर्डन कम होगा, तो सेक्टर थोड़ा सा मूव करना शुरू होंगे। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो पैनी स्टॉक है, मिड साइज शेयर है, उन्हीं का आप देख सकते हैं कि उनके अंदर जो है काफ़ी जो वॉल्यूम जनरेट किया गया, बाकी आपके जो मेन आइटम थे वो सारे डल हैं, उनके अंदर खास एक्टिविटी नहीं है। आज PSO इसके अंदर जो एक्टिविटी आई है वो रशियन क्रूड ऑयल की वजह से, कि रशियन से जो है वो डील साइन होने वाली है, तो इस हवाले से थोड़ा सा जो है वो ऑयल सेक्टर में एक हिलजुल थी उसके अंदर, अदरवाइज मार्केट जो है वो डल रही है।
शेयर की बात कर लेते हैं। शेयर जो हमने इंतखाब किया है वो TPLP है, और इसके हवाले से इसके इंतखाब क्यों किया गया है उसकी वजह है ये न्यूज़ जो आज आई है मार्केट के अंदर, और मटेरियल इंफॉर्मेशन कि भाई इन्होंने जो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो एक्वायर कर लिया है, ले लिया है, और उसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन 3 साल के अंदर मुकम्मल होगी। तो ये एक मार्केट के लिए, इस शेयर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव जो है इसके अंदर डाइवर्जन जो है वो देखी जा सकती है आने वाले दोनों के अंदर, और ये शेयर अभी तक चला भी नहीं है जिस हिसाब से इसको चलना चाहिए था। बाकी सारे शेयर चले हैं आपके सामने, इस तरह ये शेयर अभी तक नहीं चला, इसके अंदर भी गुंजाइश मौजूद है। तो अभी भी डाउन है, डाउन लेवल के ऊपर है इसके अंदर, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई जो है घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। इसका जो अगर ईयर का हाई आप देखें तो तकरीबन 2500 रुपये, और जो लो है वो 13 तकरीबन 14 रुपये लो के आसपास ही खड़ा जाने वाला तो है कुछ नहीं, और वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हुए हैं तकरीबन 4.3 मिलियन के, और मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, और ये जो है बोनस भी देता है, तो इसकी बोनस की हिस्ट्री भी रही है सितंबर और फरवरी में भी, अक्टूबर 21 में भी, इसमें तकरीबन बोनस की हिस्ट्री इसकी रही है। तो इसमें जो है आप काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग के बाद अच्छा शेयर है, लेकिन जो इसकी एक्टिविटी है वो फिलहाल एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हुई है, वो अब आगे जाकर टेक्टिकल पर देखेंगे और कहाँ पर जो है इसको ब्रेकआउट करना चाहिए मजीद बुलिश होने के लिए, वो भी हम इसको आगे चल के टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम इसकी जो हमने वर्किंग की है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो अभी एक्यूमुलेशन जोन है वो 15 से 15 40 तक जो है ये एक्यूमुलेट हो रहा है, यहीं पे जो है घूम रहा है काफ़ी टाइम से। ये जो आप देख सकते हैं डाइवर्जन जो हमने इसकी खींची है, ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे जो है ये काफ़ी टाइम से इसी के अंदर जो है घूम रहा है, और 15 15 40, और इसके जो रेजिस्टेंस इसको दरकार है वो है 15.60 से 15.80 तक जो लेवल है, ये इसकी मेन रेजिस्टेंस एरिया इसको इस वक्त इसके सामने मौजूद है। तो जैसे इसके अंदर वॉल्यूम बिल्ट होंगे अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये इसको जो है क्रॉस कर सकता है इस डाइवर्जन को, तो आने वाले दोनों के अंदर अभी भी में छुट्टियां भी आ गई हैं, तो अगर आप इसको यहाँ पे लेना चाहें थोड़ा बहुत ले सकते हैं, और ये किसी भी टाइम ये अपसाइड की मूवमेंट जो है वो दे सकता है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट लेवल है इसके बाद जो 16 से 25 16 से 50 का जो लेवल है यहाँ तक, इसके अंदर पे जो है दोबारा इसके अंदर रेजिस्टेंस आती है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट इनका लेवल है वो तकरीबन 16.50 की जो लेवल है यहाँ पे जो है ये रेजिस्ट करता है। इसकी जो मूवमेंट है इसकी ऐसी मूवमेंट रही है, अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करें तो ये इसकी मूवमेंट ऐसी ही रही है। 16 अभी ये 15 और 16 के दरमियान जो है वो घूम रहा है, तो 15.16 सॉरी 15.80 50 से ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर ये 16 से ऊपर 16.50 तक जो जाके वहाँ पर रुक जाता है। नहीं तो क्योंकि अभी इसके अंदर वॉल्यूम मौजूद है और इसके अंदर जो है एक न्यूज़ मौजूद है, तो न्यूज़ के बेस के ऊपर ये हो सकता है कि अपर कैप की तरफ भी जा सकता है सडनली, और इसके जो है अपर कैप लगाना को इसके लिए बड़ा मसला नहीं, काफ़ी डाउन है, तो इसके लिए इसको जो है आप लाजमी लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो लेवल है वो 17.5 का लेवल है, और 17.5 का जो लेवल है ये एक इसके लिए मेजर सपोर्ट एरिया है। इसके बाद जो है इसकी जो है बुलिश डाइवर्जन जो है यहाँ तक स्टार्ट हो सकती है, और 20 से 21 20 ही क्लोजिंग जो है देगा वो ऊपर की जाने, तो फिर ये 22 से 23 की तरफ जा सकता है। और इसके बाद ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया ये वाले इन लेवल्स को आपने अपने पास नोट कर लेना है, और इनके अंदर ये जो एक्यूमेट होता रहता है फिर ये अपसाइड की मूवमेंट देता है। कोई भी शेयर होता है वो सडनली जो है अप नहीं जाता, उसको जो है टाइम लगता है, एक्यूमेट होता है फिर अप जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, इस तरह जो मूवमेंट रहती है, इस तरह ECG की डायरेक्शन होती है, इस तरह ECG जो है जो शेयर होते हैं वो भी मूव इस तरह करते हैं। कभी भी शेयर जो है यहाँ से अगर मैं कहूँ कि यहाँ से एकदम यहाँ पे चला जाएगा तो ये जो है इम्पॉसिबल सी बात है, और इसको जो है लाजमी इस पे हमने आप इसके अंदर जो एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है इसके अंदर जो है ये शेयर ECG करता हुआ जो है अप एंड डाउन करता हुआ जो है इस तरह जो है ये यहाँ से जाएगा फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरह करते करते ये अप की तरफ मूवमेंट देगा। इसका जो लास्ट अगर हम देखें तो ये जो 20 का एरिया है ये एक काफ़ी रेजिस्टेंस एरिया होता है, और अगर 20 को क्रॉस कर जाए फिर ये इसका मैक्सिमम जो है 22 तक जाता है, 22.5 तक जो इसने लास्ट टच किया था 23 की रेंज में। तो इसको भी एक अच्छा शेयर है जो है ट्रेडिंग के बाद भी अच्छा है, लाजमी इसको जो है अगर 15 कल आपको थोड़ा डाउन मिलता है 15 से 20 तक मिलता है 25 तक 15 तक,
अगर कल ओपन हाई होता है थोड़ा वेट कर, नीचे का वेट कर लें, और अगर 15-40 से नीचे नीचे मिलता है थोड़ा सा बाय कर लें। जो है इसमें जाने का कुछ नहीं है, इसको इंशाल्लाह यहाँ से आपको ये एक अच्छा गेन जो है दे सकता है। इस तरह बाकी शेयर चले हैं, इंशाल्लाह इसका नंबर भी लगेगा और ये भी जो है अपसाइड की तरफ जाएगा। तो ये वो शेयर था, मैंने कहा आपको डिस्कस कर लूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसके व्यूज़। और इसके ऊपर जो हमारी रिव्यू है वो यही है कि इसको अभी इस न्यूज़ के बेस के ऊपर इसको चलना चाहिए, और इसको जो लेवल मैंने आपको बताए हैं ट्रेंड लाइन, इसके अंदर रहते हुए आप इसकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आकर रेजिस्ट करता है, नीचे की तरफ आता है, प्रॉफिट बुक करें, फिर नीचे दोबारा मिल जाता है, फिर प्रॉफिट बुक, फिर बाइंग करें, फिर प्रॉफिट बुक करें, इस तरह जो है आप 50% बुक करें प्रॉफिट और 50% होल्ड करके साथ चलते रहें अपर की तरफ, ताकि आपके पास कुछ क्वांटिटी इसके अंदर 50% आपके पास मौजूद हो, 50% के साथ जो है आप बाय एंड सेल करते रहें, तो आप इसके अंदर अच्छा गेन जो है यहाँ से यहाँ तक जो सफ़र है वो आप अच्छा गेन यहाँ से यहाँ तक कमा सकते हैं। इसके अंदर आपने जो है एक सब्र, पेशेंस और तहमुल के साथ इसके अंदर काम करना है। मार्केट कोई भी हो, कोई भी शेयर हो, उसके अंदर ही जो है आपने तरीकार अपनाना है, और इस हवाले से जो है आपने पैनिक नहीं होना किसी भी शेयर के अंदर, बशर्ते आपने शेयर का एक अच्छा इंतखाब किया हो और शेयर के हवाले से जो है एक न्यूज़ के अंदर भी मौजूद हो, तो फिर कोई वजह नहीं कि वो शेयर जो है ना वो आपको प्रॉफिट ना दे के जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो भी उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके आपका देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।